उस चूहे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये तो मेरा रूम है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने आपके रूम में चूहे को आते हुए देखा था। दोनों मिलके अभी चूहे को ढूंढते हैं। हाँ, आइए। चूहे को पकड़ने के चक्कर में अपनी तो अच्छी खासी परेड हो गई। कोई बात नहीं बाबूजी, हम भी हार नहीं मानेंगे। हाँ, कुछ भी करेंगे, चूहे को पकड़ेंगे। है कितने भी आपकी बैंड बज जाए, है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चूहा कहाँ छुपा बैठा है ये चूहा? टीवी अपने आप चालू कैसे हो गया? टीवी को पूछ के बताता हूँ। ये मजाक का टाइम है। हम चूहा पकड़ने आए कि टीवी देखने आए? रिमोट के ऊपर चूहा देखिए ना। ये लीजिए बाबूजी, ये लीजिए। मुझे बाल्टी क्यों दे रहे हैं? मैंने तो सुबह स्नान किया था। ये चूहे के लिए दे रहा हूँ। चूहे को स्नान कराना है? बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? चूहे के ऊपर आप बाल्टी डाल देंगे, चूहा पकड़ा जाएगा ना। हाँ, लेकिन चूहा अगर मेरे ऊपर कूदा ना तो मैं ऐसा भागूंगा कि कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। बाबूजी बहाने मत निकालिए, चाहिए चूहा पकड़ा जाए। बाबूजी हिम्मत मारो तो बताइए खुदा। इंडिया क्या मैच जीत गया? अरे नहीं, हम लोग मैच जीत गए हैं। चूहा पकड़ा गया है। अरे वो चूहा है क्या? हाँ, बाल्टी के अंदर। वाह दादाजी, दादाजी अब सुबह होते ही ना इस चूहे को जंगल में छोड़ाना। यस, जंगल में? अब क्या होगा? मैं तो जंगल में किसी को जानता भी नहीं हूँ, और मैं खाऊंगा क्या? बालवीर, 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 बालवीर! क्या हुआ सर, आपने बुलाया मुझे? बालवीर, मोंटू के फादर का फोन आया था। मोंटू कल से घर नहीं पहुंचा है। अरे सर कैसे पहुंचेगा? मोंटू बस चूहा बन गए। रोहित शरारत बंद करो, चुप रहो। एक मिनट सर, रोहित तुम क्या कह रहे थे? बालवीर जी, मैं कल से सबको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोंटू बॉस चूहा बन गया, मोंटू बॉस चूहा बन गया, लेकिन कोई मेरे बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा। मोंटू चूहा बन गया, मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था? एक्चुअली बालवीर जी, मोंटू बॉस मुझे किसी बुरे सपने के बारे में बता रहे थे, जिसमें एक बिल्ली ने मोंटू बॉस को एक कहानी सुनाई और कहा कि ये कहानी तुम्हें किसी और को बतानी है, और अगर नहीं बताई तो तुम चूहे बन जाओगे। मोंटू बॉस ने मुझे ये कहानी सुनाई, फिर भी मोंटू बॉस चूहे बन गए। और तो और कल क्लासरूम में जिस चूहे के पीछे भाग रहे थे वो चूहा नहीं मोंटू बॉस थे। रोहित तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं बालवीर, ये मजाक नहीं है। मेरे भी सपने में ऐसी ही एक बिल्ली आई थी और उसने मुझे भी एक कहानी सुनाई थी। क्या? एक काम करो, तुम वो कहानी मुझे भी सुना। बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमार था। फिर उस चूहे बने राजकुमार को वो बिल्ली खा गई। बालवीर जी देखा, देखा।
ये तो चूहा बन गए। खैर बन गया सर, अनुराग चूहा बन गया है। बालवीर, श्रुति चूहा बन गई। क्या? ये क्या हो रहा है? बच्चे चूहे कैसे बन रहे हैं? कहीं ये सब उस जादुई कहानी की वजह से तो नहीं हो रहा? और वो बिल्ली कौन है जो सबके सपने में आकर ये कहानी सुना रही है? कौन है सबके पीछे और बच्चों को चूहा बनाकर वो क्या हासिल करना चाहता है? मियाँ रानी तुमसे बहुत खुश है शातिर परी, और तुमने अपना वादा निभाया है तो मियाँ और रानी भी अपना वादा निभाएगी। आने दो इन बच्चों के रक्षक बाल वीर, बाल सखी और बाल मित्र को मियाँ प्रदेश में बच्चों को बचाने। मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगी। नीता, नीता यार कमजोरी सी लग रही है। एक्चुअली मुझे भूख लगी है। हाँ, कल रात को भी ठीक से खाना नहीं खा पा। ये चूहे ने दिमाग खराब करके रखा है। कुछ खा लेता हूँ। ये नमकीन। नमकीन खाता चूहा, इसके अंदर किसने डाला? बापूजी, स्मिता, बापूजी। अरे यहाँ बाप क्यों चिल्ला रहा है इतना? बापू जी, आपने अभी तक कोई चूहा फेंका नहीं है। खबरदार! किसी भी जानवर को आप बाहर नहीं फेंक सकते। आपकी तारीफ। वैसे मेरे तारीफ तो सभी करते हैं और अपने ही मुंह से अपनी क्या कर तारीफ। शॉकिंग। वैसे भी छोटा मुंह बड़ी बात। तारीफ रहने दीजिए। आपका नाम बताइए। मैं महान साइंटिस्ट डॉक्टर झटका ना। झटका देने में मुझे आनंद मिलता है। मतलब वो किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर नहीं सुनना है। झटका दूं? नहीं नहीं नहीं। तो सुनो, एक बार मैं ऐसे ही लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब मुझे 440 वोल्ट का झटका लग गया। तब से मेरे पूरी बॉडी ने पिछली दौड़ती है। Very smart chuha, my time is very precious. यहाँ है चूहा, यहाँ रखा है ये चूहा इसके अंदर है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में एक मोटा चूहा है? Oh my God, ये तो मैं भूल गया। आपका इस तरह आया था ना कि आपको चूहों से बहुत प्यार है और खास करके मोटे चूहे से, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था क्योंकि इस चूहे का उद्धार हो जाए। यस। थैंक यू माय क्यूटी बॉय। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप इस चूहे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे ना? नहीं, हम दोनों चेस खेलेंगे। हाँ? कैसा लगेगा दी? चूहा, हाथी, ऊंट सब एक साथ चेस खेलेंगे। वो मजाक कर रहा है। तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। आपको मुझे देख के लगता है मैं इस चूहे पे एक्सपेरिमेंट करूँ? See my face, innocent, देखिए। ओके, तो मैं चलूँ। बाय। सबको उल्लू बनाया। I'm scientist. मैं स्टार बनूंगा।
और मेरे गोलू मोलू चूहे ओ सॉरी तुम्हें भी स्टार बनाऊंगा। कहानी सुनते ही कोई चूहा बन जाए, ऐसी जादुई शक्ति तो केवल मियाँ रानी के पास ही है। लेकिन रानी परी, मियाँ रानी को तो राजा ने सजा देकर मियाँ प्रदेश में कैद कर दिया था ना, और मियाँ रानी का बिना अपना रूप पाए वहाँ से निकलना असंभव है। हो सकता है कि सारी जादुई शक्तियाँ मियाँ रानी की हो, लेकिन इन सब के पीछे चाल किसी और की हो। हम लेकिन बच्चों को चूहा बनाकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? और रानी परी, एक दो ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे एक साथ चूहे बन गए हैं। पर इससे पहले और बच्चे चूहे बने, हमें इसे रोकना होगा रानी परी। पर कैसे? हमें तो ये लग रहा है कि वो बच्चे कहीं दूसरी मुसीबत में ना फंस जाए। परियों, हमारे सवाल का जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम उस तक पहुंचे जो ये सब कुछ कर रहा है। पर हम उसके बारे में तो कुछ नहीं जानते, तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? हम उन बच्चों को तो जानते हैं जो इस समय चूहा बन चुके हैं, और इसीलिए हमें उन बच्चों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जिसने भी उन बच्चों को चूहा बनाया है वो उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा, और फिर बालवीर हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो है कौन और वो ये सब क्यों कर रहा है। ठीक है रानी परी, हम ऐसा ही करेंगे। क्या हुआ रोहित, तू इतना दुखी क्यों है? मोंटू नहीं मिला क्या? नहीं, इस कार्टून में सभी चूहे चेक कर लिए लेकिन इसमें से कोई भी मोंटू बॉस नहीं है। पता नहीं बॉस कहाँ चले गए। तू इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है कि इतने सारे चूहों में से मोंटू है ही नहीं? अरे मैं मोंटू बॉस को नहीं पहचानूंगा क्या? मैंने अपने हाथों से मोंटू बॉस मतलब उस चूहे को हाथ में पकड़ा था, और वो चूहा भी मोंटू बॉस की तरह एकदम मोटा और ताजा था, और इस कार्टून में सभी पिद्दी चूहे। मोटा चूहा? मैंने एक मोटे चूहे को देखा था। कहाँ? मानव महर के घर में। वो तो मोंटू नहीं। अरे तो चलो 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 मानव महर के घर पे जाके चेक करते। चल चल चल। बालवीर, ये देखो चूहों का बाप। शुक्रिया सर। बाल मित्र, बाल सखी, हमें सावधान रहना होगा और इस बक्से पर अपनी नजर हमेशा रखनी होगी। जो बुरी शक्ति इस बक्से को लेने के लिए कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम चिंता मत करो बालवीर, अगर वो बुरी शक्तियाँ आ भी गई तो ये बक्सा तो दूर की बात, वो खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। मुझे लगता है वो बुरी शक्ति यहाँ पर आ रही है, सावधान हो जा। उसे तो हमें डॉक्टर झटकानंद को दे दिया। क्या? तो तुम्हें कोई ऐसा इतना शॉक क्यों लग रहा है? शॉक तो वो डॉक्टर झटकानंद को लगा था ना? क्योंकि वो डॉक्टर झटकानंद साइंटिस्ट एकदम पागल है और वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है। क्या? क्या? हे भगवान, लेकिन उसने तो कहा था कि वो चूहे को एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं लेके जा रहा है। हाँ? ये सब तुम्हारे
तुम्हें दिया था ना चूहा उन्हें, आपको पाप लगेगा देखना। मुझे मुझे क्यों? अरे क्यों छोड़िए, और उस चूहे को कैसे बचाना है वो सोचिए। आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग बालवीर को बुलाएंगे, वो मोंटू को बचा लेगा। हाँ। एक मिनट, ओ ओ, ये चूहे को बचाने के चक्कर में मोंटू बीच में कहां से आया? अब कुछ वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम चलते। मैं इस बॉक्स को अपने स्थिर करने वाले शक्ति से स्थिर कर देता हूँ। नहीं बाल मित्र, रुक जाओ, हमें इस बक्से का पीछा करना चाहिए। क्योंकि इसका पीछा करने से ही हमें पता चलेगा कि बच्चों को चूहा बनाने के पीछे किसका हाथ है। चला गया, पूरी जगह खाली है, किसी का कोई निशान तक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सन्नाटा किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ आए नहीं, बल्कि हमें फंसाने के लिए यहाँ लाया गया है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा बालवीर कि कौन सा खतरा हम सब की ओर बढ़ रहा है? उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। हमारा दुश्मन हम तक पहुंचे, उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। बाल मित्र बाल से, तुम दोनों उस तरफ, मैं वहां जाकर दिखता। ठीक है बाल जी। पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कोई है भी या नहीं। यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा बाल सखी। Ah!